दोस्तों, अगर आप भी हर दिन अपने लिए कुछ नया अच्छा सोचते हैं, कुछ नया करने की कामना रखते हैं, अपने घर में आप बरकत को चाहते हैं, सभी के साथ में आपका बर्ताव बहुत अच्छा रहता है, यानी आप बेवजह किसी पर चिल्लाते नहीं हैं, बेवजह अपने घर में क्रोध नहीं करते हैं, लोगों से बहुत अच्छे से मिलते मिलाते हैं, तब भी यकीन मानिए कि बिना किसी उपाय के भी ना आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ना शुरू हो जाती हैं। हम जब बेवजह ही अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा अपने परिवार के सदस्यों पर उतारना शुरू कर देते हैं, कभी बच्चों पर, कभी पत्नी पर, या पत्नी भी आप पर, पति पर अपना गुस्सा उतारती है या बच्चों पर उतारती है, तो इससे बेवजह ही आपके घर का राहु केतु एक्टिव हो जाता है, जो घर में नाना तरह की परेशानियों को लाना शुरू करता है। क्या आप जानते हैं, चाहे आप जॉब करें, चाहे व्यवसाय करें, चाहे कुछ भी करें, धन कमाने के लिए आपको एक तो काम करना ही होगा जिससे कि आपके लिए धन आगमन के स्रोत खुलें, यानी लक्ष्मी जी आपसे आकर्षित होकर आपके घर में आए। लेकिन हम एक कॉमन गलती जो हर व्यक्ति करता है, चाहे वो कितना ही बड़ा धन्ना सेठ क्यों ना हो, जो काम धंधा कर रहा है उसके बारे में हमेशा निगेटिव विचार रखता है, मेरा तो काम ही नहीं चल रहा है, मेरे तो व्यवसाय में पैसा ही नहीं आ रहा, मेरे तो कारीगर ऐसे हैं, मेरे तो कारीगर काम ही नहीं करना चाहते हैं, काम चोर हैं, या मेरा पैसा मेरे व्यवसाय में फंसा पड़ा है, लोग मेरा पैसा नहीं देना चाहते हैं, मेरा कर्ज मुझ पर बढ़ता जा रहा है, यानी अपनी समस्याओं को बेवजह ही लोगों के बीच में बताना शुरू कर देते हैं, बेवजह अपने आप को बिचारा दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे सामने वाले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि वो तो आपको हंसी का पात्र बन जाते हैं आप, कि देखिए कैसे, यानी कि इसकी स्थिति इतनी ख़राब है, यानी कि आपकी वैल्यू तो उसकी नज़रों में कम हो ही जाती है। इससे आपके जो शुभ ग्रह हैं वो तो ख़राब होते ही हैं, लक्ष्मी जी भी आपसे नाराज होती हैं, यानी आपके इष्ट भी आपसे नाराज होते हैं कि भाई इतना सब देने के बावजूद भी ये व्यक्ति सब दिन रोता रहता है, तो इसे देने का कोई फ़ायदा नहीं। तो आज से एक गलती तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, जो काम, जो धंधा, जो व्यवसाय कर रहे हैं उसकी इज्जत करिए, यानी उस पर कभी भी कोई ऐसा भद्दा कमेंट मत कीजिए कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा पैसा फंस रहा है, ये काम करना ही बेकार है, इसमें तो काम में सिर्फ और सिर्फ लॉसेज हो रहे हैं, ये सब कुछ बोलना बंद करिए। जो काम कर रहे हैं उसके प्रति आदर रखिए, उसको सम्मान दीजिए, क्योंकि ये आपकी रोजी रोटी है, ये आपको अपार धन देने वाली है। आज मैं आपको ऐसा एक चमत्कारिक मंत्र देने जा रही हूँ, अगर आप डेली सोते समय इसको एक बार भी जाप कर लेंगे, यकीन मानिए अपनी लाइफ में अपने लिए जितना आप धन चाहते हैं वो आपके पास आएगा, आपकी वाणी में वो हो जाएगा, जिससे जो बोलेंगे वो बात आपकी सत्य होने लगेगी, जिससे आप काम कराना चाहेंगे वो आपके आकर्षण में ऐसा बंध जाएगा कि आपसे ना नहीं कह पाएगा, आपका हर कार्य सुचारू रूप से होने लगेगा और धन की बरकत, धन की बरसात तो आपकी लाइफ में होने ही लगेगी। चाहे आप व्यवसाय करते हों, चाहे आप जॉब करते हों, जॉब में तरक्की मिलेगी, साथ में जॉब के साथ में एक अलग से अपना कुछ ऐसा सोर्सेज आप खोल पाएँ जिससे कि आपके अर्निंग के रास्ते और बढ़ जाएं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या किसी अन्य इसी तरह के किसी अन्य सोर्सेज में पैसा लगाते हैं, बहुत सारे लोग जुआ में, सट्टा में, लॉटरी में पैसा लगाते हैं और यहाँ से आप अपने लिए अर्निंग के रास्ते खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहला एक नियम है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में निगेटिव बोलना बंद कीजिए, हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो आपके जीवन में बरकत ला रहा है। और साथ में जो मैं प्रयोग देने जा रही हूँ इसे अब आप अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, जब भी मैं कोई मंत्र बताती हूँ आपको, तो वो मंत्र आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, आप अगर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे वहाँ आपको वो मंत्र मिल जाएगा और आप आराम से वहाँ से वो मंत्र नोट आउट कर सकते हैं। तो आज का मंत्र भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी यशोदोस एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाला एक मिनट का प्रयोग, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। बेहद चमत्कारिक प्रभाव देते हैं, ना तो इसमें राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपना पर शुभता प्राप्त कर सकता है। आपने अब तक शुरू नहीं किया, अब करिए
और आप मुझे खुद लिखने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये तो बेहद चमत्कारी है। सामंजस्य और प्यार तो बढ़ता ही है, धन आगमन के मार्ग भी खोलता है। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑन पर करना बिल्कुल ना भूलें। बात हो रही है दोस्तों आज धन की। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो हमारे लिए धन एक हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, हमारा लाभ भाव, हमारा धन भाव कितना जागृत है, इसे और जगाने के लिए, यानी धन एक व्यक्ति का अधिकार है, धन पाना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ साधनाएं करनी पड़ती हैं। यानी जो काम धंधा कर रहे हैं उसके लिए तो इज्जत होती है, उसमें तो आपको मेहनत करनी ही करनी है, साथ में कुछ अपनी एनर्जी को भी बढ़ाना है, यानी अपने अंदर वो एक एनर्जी पैदा करनी है जिससे कि धन आगमन के लिए आपका शरीर, आपका मन तैयार रहे हर समय। इस प्रयोग को आप रात्रि में सोते समय करिए और बिस्तर पर भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई बंधन नहीं है। आप हाथ पैर धोकर शुद्ध होकर पैर जरूर धोइए, पैरों को पोंछ कर गीले पैरों से बिस्तर पर नहीं जाना है। धुले हुए रात्रि में वस्त्र जरूर बदल लीजिए। चादरे पर जिसपे सो रहे हैं वो लाइट कलर का चादरा होना चाहिए, डार्क ब्लू और ब्लैक कलर का चादरा नहीं होना चाहिए। वैसे भी दोस्तों अपने बिस्तर पर आपको काला और नीला चादर डालकर नहीं सोना चाहिए। सिरहाने आपको एक बर्तन में खुला हुआ पानी रखना है। रात में सोते समय जब आपको नींद आने लगे, मोबाइल आप एक साइड रख दीजिए, मोबाइल नहीं देखना है। अब अपने लिए आप क्या चाहते हैं पहले वो कामना बोलिए कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस किस क्षेत्र से आप कितना कितना पैसा चाहते हैं, आप लोगों के बीच में आकर्षण भी बढ़ना चाहते हैं। एक सफल व्यवसायी वही होता है जब जिसे लोग पसंद करते हैं, जिसके जो नौकर चाकर हैं वो भी उसे पसंद करें, साथ में उसके संग जो डील कर रहे हैं वो भी उसके काबिलियत पर खुश हों। तो उसके लिए कि आपको अपने मन में कामना करनी है कि आप के पास अपार धन संपत्ति चल कर आ रही है, लोगों पर आपका इम्प्रेशन बहुत बढ़ रहा है और आप हर तरह से सुखी हैं, आपका बैंक बैलेंस करोड़ों में बढ़ता चला जा रहा है। ये मैं आपको, आप अपने शब्दों में बोलिए जो भी बोलना है। अब जो मैं मंत्र दे रही हूँ इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। उंगलियों पर गिन लीजिए दोस्तों, उंगलियों पर गिनते हुए आप करते जाइए। ये उंगलियाँ हैं हमारी 3 3 3 3 3, यानी 15 बार। इस तरह से आप इसको 7 बार करेंगे और एक बार एक फर्स्ट फिंगर को 3 बार और करेंगे, 108 हो गया। इस मंत्र का जाप आप रेगुलर वे पर करिए। इसके साथ ही आपको नियमित अमृत की बूंद जादू अक्षर भी करनी होगी। क्यों? क्योंकि जिससे कि आपका सेकंड भाव जो कि धन का भाव होता है, जो शुक्र का भी ग्रह होता है, जहाँ शुक्र की राशि प्रबल हो जाती है, जहाँ चंद्रमा बली हो जाता है, तो आपका सेकंड भाव को जागृत करने के लिए आपको डेली के अमृत के बूंद और जादू अक्षर भी करने होंगे। अब इस मंत्र का प्रयोग आप किसी भी दिन से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लीजिए। मंत्र है एंग ह्रीं क्लीं, 3 शब्द का ही मंत्र है दोस्तों, ना ओम लगाना है ना नमः लगाना है। एंग ह्रीं क्लीं, एंग ह्रीं क्लीं, एंग ह्रीं क्लीं, एंग ह्रीं क्लीं, इसे कहते जाइए बड़े श्रद्धा भाव के साथ में, जैसे आप माता को रिझाने के लिए उनके चरण दबा रहे हैं और बस माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ बस मेरे जीवन में मेरे भंडारे भर दो, बस मेरे घर में आकर आप स्थिर रूप से निवास करो। इस मंत्र का जाप करते करते आप सो जाइए। सुबह उठिए, 3 बार हथेली देकर चेहरे पर मलिए, अपने हाथ पर अपनी अनामिका उंगली से श्रीम लिखिए, इसको इस तरह करके चूम लीजिए। अब अपने लिए आपने रात में सोते समय क्या कामना मांगी थी वही कामना अभी मांगिए। 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए, 9 ग्रहों को प्रणाम करिए और सीधा पैर जमीन पर रखिए। इसके साथ में एक शर्त जो मैंने पहले बताया, व्यवसाय के बारे में कुछ भी नकारात्मक किसी से भी नहीं बोलना है, चाहे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, चाहे जुआ चाहे सट्टा, किसी से भी इसके बारे में नकारात्मक नहीं बोलना है। कभी भी नहीं कहना कि मैं हार रहा हूँ ना, बस अपने मन में कहिए कि मुझे सदैव इससे धन की प्राप्ति हो रही, मैं सदैव जीत रहा हूँ। और इसके साथ में घर की स्त्रियों का सम्मान तो जरूर करना है, आपकी बच्ची है यानी आपका बुध, आपकी पत्नी है यानी शुक्र, आपकी माँ है यानी कि आपकी चंद्रमा, और साथ में आपकी बहन है तो वो भी आपकी बुध, यानी कि अगर आपके घर में अपनी इन स्त्री जाति के रिश्तों को आप मजबूत करते हैं तो इससे आपके ये 3 ग्रह मजबूत होते हैं।
शुक्र आपको लग्जरी देता है, चंद्रमा कैश फ्लो लाता है, बुध आपको वो बाड़ी वो ज्ञान देता है जिससे आप सही रास्ते पर चलकर धन कमा सकें। अच्छा, महिलाओं के लिए भी क्यों ज़रूरी है बुध? क्योंकि आपकी बाणी से, अपने पति से आप कोई भी अपना काम करवा सकें, उनसे आप धन प्राप्त कर सकें। चंद्रमा आपके लिए भी ज़रूरी है, आप खुश रहेंगी, जितना आप खुश रहेंगी उतना आपके घर में, आप जितना मन से लोगों की सेवा करेंगी, जितना आप मन से खाना बनाएंगी उतना ही उनका भी स्वास्थ्य और उनके भी घर में माता अन्नपूर्णा की बरकत होगी। साथ में शुक्र, जिससे कि आपके पति के साथ में आपका रिश्ता बेहतर होता जाए और पति को भी तरक्की मिले और आपको भी धन से धन मिले। तीन ग्रह मजबूत हो गए और इससे धन आकर्षण हो गया आपका। एंग माने माता सरस्वती, ह्रिंग माने माता लक्ष्मी और क्लिंग माते माता काली। क्लिंग वो एक आकर्षण का ऐसा चमत्कारिक मंत्र है, अगर आप इसको अकेला भी जपते हैं और जो भी बोलते हैं वो प्रत्यक्ष आपके साथ में घटित होने लगता है। प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, जो चाहते हैं, किसी व्यक्ति को इवन वश में करना चाहते हैं, इस मंत्र का बोलकर फूंक मारकर चाहे पानी पिला दे, जो कुछ भी करा दे, व्यक्ति आपके वश में हो जाता है। तो इस मंत्र का चमत्कारिक प्रभाव आप देखेंगे और इसको उपयोग करेंगे। जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस मंत्र का आप जाप करेंगे उतना ही जल्दी आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। अब बात करती हूँ अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर की। अगर आप इन्हें भी नियमित करते रहते हैं दोस्तों, तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होने लगते हैं, आप हैरान रह जाते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे मेरे जो दर्शक हैं वो मुझे कमेंट भी लिखते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भी लिखकर भेजते हैं कि मैम ये इन्होंने हमारा जीवन बदल दिया है। तो आप भी ज़रूर आजमाइए। 22 अगस्त 2024 दिन गुरुवार, आज का राहु काल है, दोपहर में 2:03 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:57 से 12:49 तक। इस समय आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 काली मिर्च के दाने चबा चबा कर सेवन करना है। आज का जादुई अक्षर है वह वरुण वाला वा। इस वा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। महिला पुरुष बच्चे जिनका बर्थडे, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, 22 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर 2 अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछेगा ज़रूर। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखे बिना चैनल से बाहर प्लीज़ ना जाएं। शेयर भी अधिक से अधिक करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने नियरेस्ट लोगों को जरूर शेयर कर दें। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।